जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में भगवान भोलेनाथ का तीसरा अवतार है। पवित्र सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर बसा यह स्थान एक मनोरम तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि अवंती नामक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके चार पुत्र देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत एवं धर्मवाहु थे। ये चारों भाई भी भगवान शंकर के परम भक्त थे। रत्नमाला नामक पर्वत पर दूषण नाम का एक महादानव रहा करता था, तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के कारण अत्यंत अभिमानी था। एक बार वह अवंतिकापुरी पहुंचकर अन्य दानवों से कहने लगा कि मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, परंतु ये चारों शिव भक्त मेरे वश में न होकर शिव की पूजा करते हैं। अतः तुम जाओ और इन चारों भाइयों के मस्तक काटकर मेरे सम्मुख लाओ। उधर चारों भाई देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत तथा धर्मबाहु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। जैसे ही दानवों ने इन चारों भाइयों का सिर काटना चाहा, उसी क्षण पार्थिव लिंग के नीचे की जमीन भयंकर ध्वनि के साथ फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने हुंकार शब्दों से सभी दानवों सहित दूषण को भी भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उन चारों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। तब चारों शिव भक्तों ने कहा, हे स्वामी, हमें आवागमन से छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए तथा आप कृपा करके इसी स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास कीजिए। इस प्रकार चारों ब्राह्मणों को वरदान देकर भोलेनाथ श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में ही विराजमान हो गए। महाकाल की इस पावन नगरी में अनेकों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।